नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेशन 2018-19। ये सिलेबस है KUK यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा का। इसके पहले मैं कोर्स वन यानी बीएड सिलेबस के अनुसार जो पत्र होते हैं यानी पेपर होते हैं उनको कोर्स कहा जाता है। तो पत्र वन यानी पेपर वन में पहले कोर्स वन मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये है कोर्स टू जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ओके, तो चलिए मैं फिर कोर्स टू के डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसके पहले मैं जानकारी दे दूँ नोट फॉर पेपर सेटर यानी क्वेश्चन का पैटर्न आपका किस तरह का होता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट में फिर यहाँ मैं बताती हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें 5 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपल्सरी होता है। और ये जो होता है इसमें 4 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4-4 मार्क्स के होंगे यानी क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 16 मार्क्स का होगा। और फिर इसमें 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम इच 4 यूनिट्स यानी कि आपके कोर्स में 4 यूनिट्स हैं जिनमें से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से एक एक का आंसर देना है यानी एक एक 16-16 मार्क्स का होगा। 16 × 4 = 64 यानी 64 मार्क्स का यानी टोटल 80 यानी 80 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। चलिए अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे। तो कंटेंट्स पहले ही मैं बता चुकी हूँ, कोर्स टू को 4 यूनिट में बांटा गया है। तो यूनिट वन आप यहाँ देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ये पहला टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 एंड देयर इशूज, एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर्टिकल 14, 15, 16, 21A, 30 एंड 51A। ओके, इसके अलावा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी ये नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, अब 2 नंबर में देखिए, यूनिट 1 के 2 नंबर में डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, सोशल डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन कास्ट लैंग्वेज रिलीजन एंड रीजन्स, स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट नेमली SC ST OBC वुमेन PWDs एंड माइनॉरिटीज। इसमें एक और टॉपिक आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट टू में देखिए कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, एजुकेशनल कमिटीज एंड कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मैकाले मिनट्स, इट्स फीचर एंड रिकमेंडेशन। इसके अलावा मैकाले की शिक्षा नीति यानी एजुकेशनल कमिटीज एंड कमीशन यानी एजुकेशन के लिए स्वतंत्रता से पहले एजुकेशन के लिए जो आयोग और कमिटियाँ गठित की गई थी उसके बारे में, जैसे कि मैकाले योजना, उसके फीचर्स और रिकमेंडेशन पढ़ना है, एडम्स रिपोर्ट फीचर एंड इट्स रिकमेंडेशन, वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, वुड डिस्पैच योजना 1854 का, वुड डिस्पैच योजना का मेरिट और डिमेरिट पढ़ना है, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 ऑब्जेक्टिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे यूनिट थ्री में है एजुकेशनल कमिटीज एंड कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू सेकेंडरी एजुकेशन यानी इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद एजुकेशनल कमिटीज और कमीशन है उसके बारे में। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 1953, ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशन। ओके, एक इसमें आता है रिवाइज नेशनल पॉलिसी
POA major features, ये रहा आपका, किस यूनिट में है ये सब, यूनिट थ्री में। अब हम लोग देखेंगे यूनिट फोर। यूनिट फोर में है कंटेम्प्रेरी इशूज इन इंडियन एजुकेशन, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड DPEP SSA MDM SSA RMSA एंड IEDSS, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नीड एंड इम्प्लिकेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगला टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट, मेरिट एंड डिमेरिट। ओके, ये रहा आपका चार यूनिट जो आपके बीएड के सिलेबस में है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल किस टॉपिक पर होगा या जो आपकी तैयारी कराए जाएंगे उसका दिया हुआ है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक पर आपको अपना प्रैक्टिकल तैयार करना है और ये आपके कॉलेज बेस पे किया जाएगा। रिविजिटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC, BC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। टू है, दो नंबर है प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दो थ्री है रिव्यू एजुकेशनल पॉलिसी फॉर वोकेशनल एजुकेशन। फोर्थ नंबर पे है रिव्यू ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, ये रहा आपका पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक, आप देख लीजिए। और अगले वीडियो में मैं फिर से डालूंगी कोर्स थ्री का सिलेबस। आपको ये सिलेबस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। और ऐसे साथ निभाने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।